हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विफलादक टेक एंड मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। कई सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि जो यूनिक व्यूअर्स होते हैं यूट्यूब स्टूडियो में, ये होते कौन हैं, ये काउंट जो होता है ये किस बेसिस पर होता है और यूनिक व्यूअर्स होने से क्या फ़ायदा है, क्या लसेज है। बेसिकली फ़ायदा ही होते हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल में कहीं पर भी वीडियो नहीं मिल रहा है। कोई भी गुमराह करने के लिए वीडियो बना रहा है। तो मैंने कई बार कोशिश की इसके बारे में स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, लेकिन कहीं से भी सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मेरे सवाल की जवाब मेरे पास है, खुद के पास है, तो आपसे शेयर क्यों ना करूं। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली आप देखते होंगे कोई भी वीडियो की डिटेल फोर, और यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड की जो एनालिटिक्स है उसके ऊपर अगर आप देखते हो तो बाद में आ जाता है यूनिक व्यूअर्स। व्यूअर्स के साथ साथ यूनिक व्यूअर्स क्या होता है, ये काफ़ी सवाल मचा है अपने दिमाग में। क्या ये काउंटिंग क्यों है? तो आपको मैं बता दूँ, यूनिक व्यूअर्स ये होते हैं जो व्यू होता है आपके वीडियो में। मान लो कि 1K व्यू है आपके वीडियो में, लेकिन यूनिक व्यूअर्स जो है वो 900 के करीब है। मतलब आपकी वीडियो जो है 1000 बार दिखाया गया है, लेकिन यूनिक व्यूअर्स जो होते हैं वो अलग कैसे होते हैं? यूनिक व्यूअर वो लोग होते हैं जितने लोग आपके वीडियो को देखे हैं। मान लो वो 1000 व्यूज़ उनके वजह से आए हैं, 1000 व्यूज़ में 900 लोग जो है वो आपके वीडियो को देखे हैं लेकिन 1000 बार ही देखे हैं। मतलब उन लोगों में से कुछ लोग आपके वीडियो को 1 से ज़्यादा बार भी देखे हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यूनिक व्यूअर्स जो होते हैं जो वो रिटर्निंग व्यूअर्स होते हैं, और या तो फिर कोई अनोनिमस व्यूअर्स होते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आपके वीडियो यूजफुल होने के वजह से कुछ लोगों को वो भा जाता है, या तो वो वीडियो उनके काम का होता है तो वो बार बार देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे एक वीडियो हुआ करता था बिटकॉइन के बारे में, क्लाउड माइनिंग के बारे में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो प्रॉब्लम है, बेसिकली लोगों की जो प्रॉब्लम होते हैं, तो बिटकॉइन के क्लाउड माइनिंग में इस रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया। उसमें क्लिक थ्रो रेट जो है बहुत अच्छी है, CTR अभी भी आ रहा है, लेकिन वहाँ पे रिसर्च जो भी कर लो तो वहाँ पे आपके सेटिस्फेक्शन के लिए लोग उसे बार बार देख रहे हैं, क्योंकि वो इतना सेटिस्फाई नहीं कर पड़ता है, क्योंकि लोग बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वो आपके अकाउंट पे नहीं आ रहा है, तो वो लोग ये वीडियो को बार बार देख रहे हैं। तो वहाँ पे जो व्यूज हैं उस हिसाब से आप देखें तो वहाँ पे जो यूनिक व्यूअर्स है वो कम है, क्योंकि वो बार बार रिसर्च कर रहे हैं कहीं उनको ऐसा ही कुछ मिल जाए कि उनके पैसा जो है उनके अकाउंट पे आ जाए, लेकिन ऐसे कभी भी नहीं होता है। तो वो बार बार एक ही वीडियो पे ऊपर क्लिक कर देते हैं, उस रिलेटेड जितनी भी वीडियोज हैं वो देखने के लिए कोशिश करते हैं, कहीं पर कुछ तो नॉलेज मिल जाए क्लाउड माइनिंग के बारे में। तो इस वजह से वो लोग उसी स्पेसिफिक वीडियो को बार बार देख देते हैं, हो तो वो उनके फायदे में के लिए हो या फिर गलती से। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। स्टिल देन कीप साइनिंग।